उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री दिनेश खटीक ने विभागीय अधिकारियों के द्वारा अनदेखी किए जाने का आरोप लगाते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। खटीक ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर इस्तीफे की इच्छा जाहिर की। खटीक का यह पत्र सोशल मीडिया पर काफ़ी प्रसारित हो रहा है। वहीं दिनेश खटीक ने गृह मंत्री को लिखी चिट्ठी में कहा है कि राज्य मंत्री के अधिकार के तौर पर सिर्फ गाड़ी दे दी गई है। मंत्री ने ट्रांसफर के मामलों में बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। गड़बड़ी को लेकर जब उन्होंने अधिकारियों से जानकारी मांगी गई तो उन्हें अब तक जानकारी नहीं दी गई है। सिंचाई विभाग के प्रमुख सचिव पर आरोप लगाते हुए कहा गया कि फोन करने पर बिना पूरी बात सुने उनके फोन को काट दिया गया। मंत्री ने नमामि गंगे योजना में भी भ्रष्टाचार की बात कही है। दिनेश खटीक ने सीधे सीधे अधिकारियों पर मनमानी का आरोप लगाया है। मंत्री ने आदेश लिखा है कि जल शक्ति विभाग में दलित समाज का राज्य मंत्री होने के कारण मेरे किसी भी आदेश पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। सिंचाई विभाग के प्रमुख सचिव मेरा फोन काट देते हैं और मेरी बात अनसुना कर देते हैं। मेरे साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जा रहा है। मुझे विभाग में अभी तक कोई अधिकार नहीं दिया गया है, इसलिए मेरे पत्रों का कोई जवाब नहीं दिया जाता। बीजेपी सरकार में दलित और पिछड़ों को सम्मान के साथ लाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सरकार के अंदर अधिकारीगण उतना ही दलितों का अपमान कर रहे हैं। वहीं मंत्री ने अंत में कहा है कि दलित समाज के मंत्री का विभाग में कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसी स्थिति में राज्य मंत्री के रूप में मेरा कार्य करना दलित समाज के लिए बेकार है। इन्हीं बातों से आहत होकर मैं अपने पद से त्याग पत्र दे रहा हूँ। बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जल शक्ति मंत्री दिनेश खटीक के इस्तीफे के बाद हलचल मच गई है। विपक्ष के नेता इस पर अपनी प्रतिक्रियाएँ दे रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि इस सरकार में भ्रष्टाचार का बड़ा खेल चल रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह ने योगी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, पशुपालन विभाग में तबादलों में हुए घोटालों के बाद जल शक्ति विभाग में हुए तबादलों से आहत होकर दलित समाज के मंत्री दिनेश खटीक ने इस्तीफा दिया है। अब घोटाला योगी सरकार का तो इस्तीफा अमित शाह को क्यों? कोई विषय नहीं है यार। जिस तरह की जानकारी मिल रही है भाई साहब, कोई विषय नहीं है। इस्तीफा दिया है नहीं भाई? इस्तीफा दिया भाई, कोई विषय नहीं। नमस्कार, मैं हूं देवकीनंदन मिश्रा। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, एक बात और, हमारे इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालते हैं सबसे पहले आप तक वो पहुंचे।